वीडियो गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं है? आप, मैं और इस दुनिया के करोड़ों लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में लोग एक हफ्ते में करीब 3 बिलियन घंटों तक वीडियो गेम्स खेलते हैं। आज की टेक्नोलॉजी ने गेम्स को इतना हाई एंड बना दिया है जिसकी वजह से कुछ गेम्स तो ऐसे हो गए हैं जो हमें बिल्कुल रियल वर्ल्ड वाली फीलिंग देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उसी गेम का एक हिस्सा हैं। फोर्टनाइट बैटल ग्राउंड और पबजी जैसे गेम्स ने आजकल इंटरनेट पर तहलका सा मचा रखा है। लोग इन गेम्स के इतने दीवाने हो चुके हैं कि उन्हें इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इनका इतना ज्यादा क्रेज है कि कुछ दिनों पहले एक गेमर की लगातार काफी देर तक गेम खेलने की वजह से मौत हो गई थी। और सिर्फ एक ही नहीं, पिछले कुछ सालों में बहुत सी मौत की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें गेमर अपने कंप्यूटर या फिर गेमिंग कंसोल के सामने मरा हुआ पाया गया। अब गेम्स खेलना इतना बुरा भी नहीं है कि आप गेम्स खेलना ही छोड़ दो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिकल गेम्स यानी आउटडोर गेम्स पर ज्यादा ध्यान दो, ना कि वीडियो गेम्स पर। गेम्स खेलने से हमारे दिमाग पर काफी अच्छा असर भी पड़ता है, लेकिन आपको तो पता ही है कि कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा करो तो वो हमेशा खतरनाक होती है। गेम्स आपके कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाता है। जैसे गेम्स खेलने से आपकी कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी मेमोरी, मल्टीटास्किंग स्किल्स और कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन ज्यादा देर तक लगातार गेमिंग करना काफी खतरनाक भी होता है और डॉक्टर्स के लिए ये एक काफी सीरियस बात बन चुकी है। हालांकि भारत में अभी इसका इतना असर नहीं पड़ा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी एक्टिविटी को काफी हद तक मॉनिटर करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन दुनिया भर में लॉन्ग आवर्स गेमिंग एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर आप लगातार हद से ज्यादा गेम्स खेलते हो तो आपकी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है। सेकेंड क्लास सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ गेमर्स को ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को होती है जो काफी देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। इसका नाम सेकेंड क्लास सिंड्रोम या इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो अपना काफी समय लंबी दूरी वाली प्लेन्स में इकोनॉमी क्लास में बिताते हैं। इकोनॉमी क्लास में आपको सिर्फ एक सीट दी जाती है और आप उस पर सिर्फ बैठ सकते हो। ज्यादा देर तक अपने पैरों को नीचे लटकाए रखने की वजह से खून उनके पैरों में जमा होने लगता है। जब आप अपने पैरों को मूव नहीं करते तो धीरे धीरे वो जमा हुआ खून प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपके वेंस में घूमने लगता है और आपके लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंच सकता है। इसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और आपको छाती में दर्द होने लगेगा जब भी आप सांस लेने की कोशिश करोगे। किसी किसी केस में तो आपको बहुत खांसी आने लगती है और उस खांसी में खून भी निकलने लगता है। और ये यही नहीं रुकता, अगर ऐसा बार बार होता रहा तो आपको पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। इससे आपकी वेन्स यानी खून को सर्कुलेट करने वाली नसें ब्लड क्लॉटिंग की वजह से खराब हो सकती हैं, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो घट सकता है और फिर आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है और इससे आपका पैर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। 2015 में एक 17 साल के लड़के को पैर में चोट लग गई तो उसे बेड रेस्ट करने को बोला गया। घर बैठे बैठे उसने गेम्स खेलने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो दिन भर अपना खाना पीना भूल कर सिर्फ गेम खेलने में लगा रहता था। 30 अगस्त 2015 को उसके घर वालों ने देखा कि उसके रूम से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब वो रूम में गए तो उन्होंने देखा कि वो लड़का अपने कंप्यूटर के सामने बेहोश पड़ा है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि ज्यादा मूवमेंट ना करने की वजह से इसके वेन्स ब्लॉक हो गए और सेकेंड क्लास सिंड्रोम इसकी मौत की वजह बनी। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गेमिंग सेशन या फिर लंबी फ्लाइट्स यानी करीब 12 से 15 घंटों की ज्यादा की फ्लाइट्स में हर 2 से 3 घंटे के बाद अपनी बॉडी को मूव करते रहिए और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करिए। ज्यादा गेमिंग आपके हर्ट को भी फेल कर सकता है। 6 जनवरी 2015 एक 32 साल का आदमी एक इंटरनेट कैफे में जाता है। वो उस पूरे दिन गेम खेलता है और फिर अगले दिन भी लगातार गेम खेलता रहता है। और 8 जनवरी 2015 को कैफे के एक कर्मचारी को वो अपने कीबोर्ड पे सोता हुआ दिखाई देता है। काफी देर तक कोई मूवमेंट ना होने की वजह से जब वो कर्मचारी उस इंसान को उठाने जाता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। फिर जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो मर चुका है। डेथ रिपोर्ट में उसके मौत की वजह होती है हार्ट फेलियर। थकान, नींद की कमी, अपने आप को पुश करना, खराब सेहत और कैफे के काफी ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से लगातार 2 दिन तक गेम्स खेलने की वजह से उसके दिल ने अचानक से काम करना बंद कर दिया।
अब अगर आप सोच रहे हो कि गेमिंग सेशंस के बीच बीच में ब्रेक लेने से आप काफ़ी देर तक गेम खेल सकते हो और उससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपका ऐसा सोचना गलत है। हाँ, ये बात सही है कि आपको उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद आप अपनी बॉडी में निंटेंडो नाइटिस डेवलप कर लोगे। लगातार गेम खेलने की वजह से आपकी उंगलियों, आपके रिस्ट और जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा और बार बार मूव करना पड़ता है, स्पेशली आपके अंगूठे और उंगलियों को। 2003 में BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्लेयर्स ने अपने जॉइंट्स में स्ट्रेन इंजरी करवा ली थी और इसका कारण था एक्सेसिव गेमिंग। इसे ही निंटेंडो नाइटिस बोलते हैं और इसके लिए कोई सक्सेसफुल सर्जरी भी नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पूरे दिन सिर्फ एक ही गेम खेलने को बोला जाए तो आप इनमें से कौन सा गेम चूज करोगे? एक पजल या फिर लॉजिकल गेम या फिर एक एक्शन गेम? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा एक एक्शन गेम। वेल, मेरा भी जवाब एक एक्शन गेम ही होगा, लेकिन हाल ही में करी गई एक स्टडी ये बताती है कि ज़्यादा एक्शन गेम्स खेलने की वजह से आपके दिमाग का स्ट्रिएटम न्यूक्लियस नाम का हिस्सा छोटा होने लगता है। ये न्यूक्लियस हमारे दिमाग में बाहरी दिमाग का इंटरनल मैप बनाने में हेल्प करता है, जैसे आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता। आप अपने दिमाग में इस रास्ते को मैप इसी न्यूक्लियस की वजह से बना पाते हो, लेकिन एक्शन गेम डेवलपर्स रेस्पॉन्स लर्निंग नाम की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, न कि एडवांस प्लेस लर्निंग टेक्निक की। एग्जांपल, आपसे आपके दोस्त के घर का रास्ता मैप करने को बोला जाए तो रेस्पॉन्स लर्निंग में आप उस मैप को किसी लैंडमार्क यानी कोई स्पेसिफिक जगह को अपना पॉइंट बनाते हुए मैप बनाओगे। जैसे आप कहोगे कि यहाँ से रोड तक जाओ और फिर वहाँ एक पेट्रोल पंप मिलेगा और वहाँ से राइट ले लेना, तो ये होती है रेस्पॉन्स लर्निंग। लेकिन इसका एडवांस वर्जन है प्लेस लर्निंग, यानी आप मैप में किसी लैंडमार्क को नहीं बल्कि डिस्टेंस और डायरेक्शन को दिखाओगे। जैसे आप कहोगे रोड से 200 मीटर राइट जाने के बाद लेफ्ट जाना और वहां से 300 मीटर पर आपके दोस्त का घर होगा। रिस्पॉन्स लर्निंग प्लेस लर्निंग के मुताबिक खराब इसलिए है क्योंकि अगर वहां बाद में कभी पेट्रोल पंप नहीं हुआ तो आपको वो रास्ता याद करने में काफ़ी मुश्किल होगी। दुनिया भर के सभी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस प्लेस लर्निंग का ही इस्तेमाल करती है और ज़्यादा गेमिंग हमारे स्ट्रेटम न्यूक्लियस को छोटा करके उसकी मैपिंग एबिलिटी को कम कर देती है। अब ये बात सुनकर आप गेम खेलना बंद मत कर देना। नॉर्मल गेम्स जैसे हफ्ते में 3 से 4 घंटे खेलने से हमारा फ़ायदा ही होगा, लेकिन ज़्यादा गेमिंग जैसे एक दिन में 12 से 15 घंटे और ऐसा पूरे हफ्ते तक करना, इससे आपके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ेगा। 1999 में स्कूल के कुछ बच्चों के साथ एक स्टडी करी गई। इसमें यह देखा गया कि बच्चों की लोअर बैक कैसे बिहेव करती है अलग अलग काम करते वक्त, जैसे टीवी देखते वक्त या फिर वीडियो गेम्स खेलते वक्त। स्टडी में यह देखने को मिला कि टीवी देखते वक्त या वीडियो गेम्स खेलते वक्त बच्चों की एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से उनके लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन जनरेट होता है। और ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, हम सभी के साथ होता है। हम सभी को पता है कि हमें कमर को बिल्कुल सीधा करके कंधों को बाहर निकालते हुए बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी डेली रूटीन में हम ऐसे नहीं बैठते हैं। जनरली जब हम बैठे होते हैं तो हमारी कमर एक आर्क बनाती है जिससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर काफ़ी असर पड़ता है। चाहे आप कितनी भी महंगी चेयर ले लो, भले ही वो गेमिंग के लिए डिज़ाइन करी गई हो, लेकिन वो आपके घंटों एक ही जगह बैठे रहने की वजह से होने वाली बैक स्ट्रेन को कम नहीं कर पाती। और इसीलिए आप पाओगे कि जो लोग अपना ज़्यादातर काम दिन भर एक ही जगह बैठकर करते हैं, उनकी कमर में हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और अगर आप लगातार 24 घंटों से ज़्यादा गेम खेलोगे तो ये बैक पेन आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और उससे आपके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है और आप पैरालाइज भी हो सकते हो। इसका सबसे लास्ट इफेक्ट सबसे खतरनाक है क्योंकि ये इफेक्ट अभी तक बताए सारे प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक लंबे टाइम तक गेम्स खेलना आपके ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। वेल, ऐसा सिर्फ एक या दो गेमिंग सेशन से नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार बार बार कई घंटों तक गेमिंग करते हो तो इससे आपके दिमाग का ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर बढ़ता है और फिर अगली बार वो पिछली बार से ज़्यादा खेलना चाहता है। ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर के बढ़ने से आपके डोपामाइन के रिलीज होने में प्रॉब्लम आने लगेगी और आपने पिछली बार जितना खेला था उतनी देर दोबारा खेलने के बाद आपका दिमाग उतना डोपामाइन रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसके बाद आप सेटिस्फाई फील नहीं करोगे और ज़्यादा देर तक खेलना शुरू कर दोगे। और ज़्यादा खेलने से आपको ऊपर बताई प्रॉब्लम्स या इससे भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप गेम्स खेलना बंद मत करो, लेकिन उसे एक लिमिटेड वे में खेलो। आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप उसे हफ्ते में कितनी देर खेलते हो।
और आपको ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साइंटिफिक माइंड्स के स्क्वाड का हिस्सा बनिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।